हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भी धर्मेंद्र। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टनेट में। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है हमें वीडियो बनाते बनाते, और काफ़ी टाइम से हमने काफ़ी वीडियो में प्रयोग किए हैं, काफ़ी वीडियो आपको दिखाए, नए नए तरीके से दिखाने की कोशिश करी मैंने। तो हमें चलते चलते काफ़ी समय आज हो चुका है, और लास्ट में मुझे जो भाई बहनों ने कमेंट किए वो ये कमेंट की कि भाई कुछ भी हो रियल वीडियो बनाना, हमें रियल वीडियो अच्छे लगते हैं। कुछ भी होगा क्या, तू रियल पे रहेगा, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे मेरे जो यूट्यूब की फैमिली है, भाई बहन है, उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने पंकज भाई को बोला ठीक है यार दोस्तों, हम ऐसे ही करते हैं, हम लोकेशन पे जाते हैं, दिखाते हैं भाई बहनों को, और मैं देखूंगा कि रियल की वैल्यू क्या है। मतलब मुझे रियल की वैल्यू दिखाओ आप। और रही बात आपकी, तो आप यार सबका बहुत दिल से शुक्रिया बोलना हूँ कि यार आप लोगों के सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखना आपके भाई के ऊपर। कैमरे के पीछे पंकज है, ठंड काफ़ी है दोस्तों, इतनी ठंड है कि बाइक चलाना बहुत हालत ख़राब कर रहा है इस टाइम। तो फालतू की बात ना करते हुए कहानी सुनाता हूँ इस रोड की। पंकज दिखा दे दोस्तों, ये जो रोड है ना, कहानी ध्यान से सुनना आप जरा। ये रोड है, ये कच्चा रास्ता, और यहाँ पे एक डामर रोड है जिस पे वाहन निकल रहे हैं रात के टाइम, कुछ कुछ वाहन निकल रहे हैं। इस रोड की कहानी क्या थी कि जब पानी बरसात के टाइम की बात है, बरसात जब आई थी, तो ये जो पार्टीशन दिख रहा है ना, इसमें ना गांव का पानी निकलता है बाहर, इस वाले इसमें पानी बाहर निकलता है। तो एक टाइम क्या हुआ कि पानी ओवरफ्लो था, ओवरफ्लो मतलब कि ये पानी और ये रास्ता बराबर हो गया था, मतलब पूरा रास्ता भी पानी से भर आ गया था। तो एक बुजुर्ग औरत और एक उसके साथ उसकी बेटी और एक बकरी है ना, वो तीनों तीनों क्रॉस करके रोड पे जा रहे थे। और गांव के लोगों के जो लोगों ने बोला वो बता रहा हूँ यार, लोगों ने बोला कि वो बकरी बेचने जा रहे थे, कोई बकरी का बाजार लग रहा था बुधवार के दिन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब पंकज जाग, अब हुआ क्या दोस्तों कि जब वो माँ बेटी और वो बकरी को बेचने जा रहे थे, तो बकरी को उसने माँ ने ऐसे यहाँ पे ऐसे गोदी में उठा लिया, उठा के निकले यहाँ से, पानी फुल था इस रास्ते पे। अब हुआ क्या दोस्तों कि जो बुजुर्ग महिला और बेटी थी, वो रहस्यमय तरीके से इस सड़क पे से, अब वो ये और ये जगह कितनी दूर है आप देख सकते हैं, तो हाँ वो सही है। इसमें डूब गई, डूबी मतलब पानी में गिर गई। अब गिरी तो गिरी दोस्तों, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि अगर इंसान खड़ा हो जाए तो डूबे नहीं पंकज, हाँ भाई, नहीं इस डूबता। है ना। लेकिन दोस्तों हैरत की बात यह है कि वो जब इसके अंदर गिरी ना, तो उठ के खड़ी नहीं हो पाई, ना तो बुजुर्ग महिला ना उसकी बेटी, और ऑफकोर्स वो तीनों की मौत हो गई। काफी लोगों का कहना था कि जो इसके अंदर जो घुसी वो तो ना आधी कीचड़ में, रफ में धस गई थी, मतलब आधा शरीर उस कीचड़ में फंसा हुआ मिला। तो ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है, है ना पंकज। हाँ भाई, अगर आज अपन ही गिर जाए तो अपन उठ के खड़े नहीं हो सकते क्या, नहीं भाई, मतलब जरूरी है कि किसी ने उसको पकड़ा होगा। हाँ भाई, हो तब सकता। से लोगों ने मुझे ये बोला भाई कि इस जगह पे देखो, उनकी शुद्ध हिंदी में बोलो तो उन्होंने ये बोला कि इस रास्ते पे अगर तुम आ गए ना, तो तुम्हारी फटके चार हो जाएगी, है ना, ये बोला उन्होंने। मैं आ गया हूँ लोकेशन के ऊपर, और लोकेशन के पास के सेफ्टी के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है ये नींबू लिंबू, जो कि हमारे देवता के है। तो ये हमें जेब में रखा हूँ, और इस लोकेशन को विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर कुछ है, या फिर एक मनगढ़ंत, कहानी हाँ, या फिर नॉर्मली वो गिरे पानी में डूब के। है, मर गए। और लोग क्या बोलते हैं भाई कि सकस, क्या बोलते हैं पंकज, सकस लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सकस है, सकस है, सकस है। इतनी सी एरिया में हो, ऐसा नहीं कि आपको मैं 10 किलोमीटर दूर गांव में ले जाऊँ, घुमाऊँ और टाइम वेस्ट करूँ, बस इतना एरिया में हो। अभी इस एरिया को हम अच्छे से फील करते हैं और देखते हैं एक्टिविटी होती है नहीं होती है पंकज, है ना। ठीक है भाई, चौकन्ना रहियो बस, एक डीपी है इधर, एक करंट की डीपी है इधर, लीम का पेड़ है, और है आज है बजरंग बली का दिन।
आमतौर पे दोस्तों कच्चा रास्ता है। आवाज सुनी? आवाज आई भाई अभी। हाँ भाई। कोई आवाज आ रही है यार, देख तो कुछ दिख रहा है क्या तेरे को? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है ना? कुछ कोई दिख नहीं रहा पर आवाज आ रही है, राइट ना? हाँ भाई। पूरा घुमा, मूवमेंट कर पंकज, पूरा मूवमेंट कर यार। आवाज कहाँ से आ रही यार? कोई भाई आवाज सामने। दोस्तों अजीब बात है, पास आ। दोस्तों अजीब बात है, मूवमेंट हो रही है, इधर से आवाज आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। पंकज देख तो आसपास भी है, इधर आजा जा गया भाई। कौन है पंकज? आवाज कहाँ से आ रही है भाई? यही तो समझ में नहीं आ रहा यार आवाज। आ इस साइड ये खाली जगह दिख रही तेरे को सामने? मेरे को लग रहा है इधर से कोई आवाज कर रहा है। है? नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई कुछ तो है यार। ये देख, ये आवाज कहाँ से आ रही साला? है पंकज? यही तो समझ में नहीं आ रहा यार आवाज आ कहाँ से रही है। अच्छा भाई, दोस्तों अजीब बात है यार, हो सकता है साला जंगली जानवर की भी हो सकती है पंकज, जरूरी थोड़ी है। हाँ भाई हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, ठंड में ना सियार गुर्राते हैं, है ना पंकज? हाँ भाई तो इतना लोड वाली बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भूत की आवाज़ है, मैं इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सियार गुर्राते हैं तो हो सकता है कि उनकी आवाज़ आई हो। लेकिन एक बात है पंकज, क्या भाई? यहाँ पे ना अपन जैसे जा रहे हैं, चल रहे हैं ना, हाँ तो सारा फील बड़ा भयानक हो रहा है दोस्तों। अंदर है ना, दिल धक 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 इस टाइप से हो रहा है भाई। पक्का पता नहीं साला ये सामने मेन रोड आ गया है, अभी तक एक्टिविटी के नाम पे ना फिर आवाज आई ना। हाँ यार भाई, ये सियार की है कि इंसान की है, तेरे को क्या लगता है? ये दिख 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 यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये आवाज आ कहाँ से रही है यार? इधर है, इधर है, इधर है। आवाज इस साइड से आ रही है यार बार बार। अब देख शांत हो गई आवाज, हम आए दोस्तों, आवाज बंद है पूरी, है ना पंकज? देख अब नहीं आ रही ना आवाज। हाँ भाई, पूरा इधर झाड़ियों में देखता हूँ ना साला, क्या है, क्या कुछ है क्या, जानवर वानवर शियार व्यार कुछ है क्या? हाँ भाई कुछ भी हो सकता है जानवर है। देख रहे अपन यहाँ पर है, आवाज बंद है पूरी, अपन दूर जाते हैं आवाज आती है। हाँ भाई, ये दोस्तों ये पूरा खाली रास्ता पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं आवाज इधर से आ रही थी, हम दूर जाते तो आवाज आती है, पास आ रहे तो आवाज नहीं आ रही। तो मुझे लगता है भाई कोई जंगली जानवर ही है पंकज। हाँ भाई, हर चीज में भूत का नाम लेना भी गलत है, नहीं तो लोग बोलते हैं, बोलते हैं कमेंट भाई तुमको रोज भूत दिखते हैं। क्या हुआ भाई, सब ठीक है पंकज? इधर वो देख लेता हूँ भाई, अगर कोई जानवर हो तो। मेरे को लगता है आज का बर्बाद दिन है, हैं? हाँ यार भाई, इस जगह पे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वही कोई भूत पलित कोई भी है, क्योंकि यहाँ पे ना एक नॉर्मल रास्ता है और कुछ भी ऐसे हमको। क्या हुआ? अरे मेरे को लगा कुछ सांप जैसा था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये गोबर है, गोबर भाई, गोबर है। दोस्तों इस जगह पे कोई भूत शक्ति नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, जीरो एक्टिविटी, और ना कोई ऐसे भाई आवाज तो आ रही है यार, लेकिन यार बार हो बार। सकता है जानवर की। देख हर चीज में भूत नहीं होता भाई। दोस्तों रात की 12:30 का ये मोमेंट था, ये टाइम था, लेकिन मैं इस चीज को भैया मैं बोलता कि यहाँ पे भूत ही है, मैं इस चीज को बोलता हूँ भाई कि यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है कि कोई हो सकता है कि वो महिला और बेटी यहाँ पे गलत कुछ बूढ़ी बुजुर्ग होगी तो डूब गई होगी, क्यों पंकज? हाँ भाई, तो दोस्तों मैं इस चीज को हॉन्टेड करार नहीं देता हूँ, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ भैया मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे कोई भूत पलित कोई है, अगर होता तो अभी तक एक्टिविटियाँ देता, क्योंकि हमारे जेब में लींबू
देवता का, और हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूत खुद आता है सामने भाई, लोकेशन पे पता हमको लग सर। लग जाता है। तो हाँ, यही लोकेशन थी दोस्तों, रियल लोकेशन थी, रियल वीडियो आपके सामने पेश की मैंने। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, कि फालतू इधर जाऊँ उधर जाऊँ, चार चक्कर काटूँ और आपका टाइम वेस्ट हो। अब मैंने देखा, रुके, कुछ कुत्तों की आवाज़ और कुछ जंगली जानवर की आवाज़ इधर से आई थी, लेकिन इधर भी आपको क्लियर करा, इधर कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, और मुझे बताना कि इस रास्ते पे जो ये कहानी बताई, इसमें आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई होगी इस कहानी में, वो बूढ़ी औरत और बेटी यहाँ पे कैसे डूबी होगी। तो जो भी है भाई, और ये भी कमेंट में बताना मुझे कि सकस क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका अपना ख्याल रखना भैया, ठंड बहुत है, पूरा पैक होके